नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कल तक कश्मीर के नाम पर तैमन लहराने और टोपी उछालने वाले मलेशिया का वास्तविक चेहरा सामने आ गया। मलेशिया ने उन रोहिंग्या को देश से बाहर भगाने का फैसला कर लिया है जो समुद्र के रास्ते मलेशिया में घुसे थे। यानी पाकिस्तान के साथ कश्मीरी मुसलमानों का रहनुमा बनने वाला सिर्फ 300 रोहिंग्या को स्वीकार करने को राजी नहीं है। मलेशिया ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि उसे रोहिंग्या को वापस लेना होगा। अगर उसने उन्हें लेने में हिलावाली की तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मलेशिया ने साफ कहा है कि उनके देश को रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी स्वीकार नहीं है। इन्होंने उनके मुल्क में आते ही अवैध कार्यों को अंजाम देना शुरू कर दिया है जिससे यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए वे बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि म्यांमार ने इन रोहिंग्या को बाहर निकालकर सही कदम उठाया है। मलेशिया द्वारा इन्हें वापस लौटाने से कहीं ना कहीं म्यांमार का पक्ष ही मजबूत होगा। दरअसल ये रोहिंग्या फरवरी में बांग्लादेश से निकले थे। इन्हें उम्मीद थी कि मुल्ला मुल्क होने के चलते इन्हें मलेशिया में शरण मिल जाएगी। महीनों तक समुद्र में सफर के बाद मलेशिया पहुंचने पर इन्हें 2 दिन पहले लंकावी द्वीप पर हिरासत में ले लिया था। इन्हीं के साथ सैकड़ों रोहिंग्या और भी निकले थे मगर कहा जा रहा है कि उनमें से ज्यादातर को मलेशियाई पुलिस ने ठोक डाला है जिनकी कोई खबर तक नहीं मिल रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि मलेशिया के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि रोहिंग्या को पता होना चाहिए वे यहां नहीं रह सकते हैं। यह एक देश है, कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें दुनिया का कचरा जमा होता हो। यानी जिस कचरे के लिए भारत में तैमन उछाले गए उसे इस्लामिक मुल्क तक रखने को राजी नहीं है। यानी म्यांमार के साथ दुनिया पर बोझ बने रोहिंग्या को खुद इस्लामिक देश ही दुत्कार रहे हैं। उधर बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन ने कहा है कि हम भी रोहिंग्या को वापस लेने के लिए बाध्य नहीं है, नहीं हम उन्हें यहां पर रखने की स्थिति में है। इसका मतलब यह है कि यह रोहिंग्या इन दोनों देश के बीच का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। खास बात यह है कि मलेशिया ने किसी तरह कोरोना को काबू में कर रखा है। देश में कोरोना के करीब 8,000 से ज्यादा मामले आ गए हैं। वहीं अब तक 121 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सरकार रोहिंग्या को शरण देकर कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। उधर हेल्थ एक्सपर्ट भी चेतावनी देते रहे कि रोहिंग्या मुसलमान कोरोना बम बने घूम रहे हैं। रोहिंग्या जैसी घनी बस्तियों में स्थिति गंभीर हो सकती है। इसके साथ ही मलेशिया में अपराध का ग्राफ भी ऊपर पहुंच सकता है। संदेह तो यह भी व्यक्त किया जा रहा है कि मलेशिया ने सैकड़ों रोहिंग्या को देश में पहुंचने से पहले ही समुद्र में डुबो दिया है क्योंकि जो लोग इनके साथ निकले थे वे आज तक भी मलेशिया में नहीं पहुंचे हैं। उनका कोई अता पता तक नहीं मिल पा रहा है। यानी कश्मीर के रहने बनने वाले रोहिंग्यों के उतारक निकले पर मामला यहां तक नहीं है। यूएन मानवाधिकार संगठन की फरवरी रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया में करीब 90,000 रोहिंग्या मुसलमान थे। साल 2017 में म्यांमार से 7,30,000 रोहिंग्यों ने देश छोड़ा था। इससे पहले भी लाखों रोहिंग्या पलायन कर चुके थे। अकेले बांग्लादेश के कैंपों में ही करीब 10,00,000 रोहिंग्या रहते हैं। पर चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि मलेशिया में हजारों रोहिंग्या लापता हो गए हैं। बस्तियों में रहने वाले रोहिंग्यों को आरोप है कि मलेशियाई पुलिस उन्हें समूहों में पकड़कर ले जाती है। लापता लोगों में केवल पुरुष ही नहीं बूढ़े बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। मोहिउद्दीन यासीन की सरकार आने के बाद रोहिंग्या मुसलमानों का बड़ी तादाद में सफाया किया जा रहा है। खास बात यह है कि मलेशिया में रोहिंग्यों को यहाँ की मस्जिदों में नमाज पढ़ने तक की इजाजत नहीं है। इलाके में कहीं भी अपराध होता है तो रोहिंग्यों पर ही कार्रवाई होती है जिससे यहाँ पर रोहिंग्यों ने विभिन्न गुट बना लिए हैं जो मलेशिया में जराइम की दुनिया में उतर रहे हैं और यहाँ पर अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस मामले में पाकिस्तान सबसे सुरता देश निकला। उसने किसी भी रोहिंग्या को अपनी धरती पर घुसने नहीं दिया। उसने रोहिंग्यों के लिए आवाज तो उठाई मगर उसमें मदरसे के मुल्ला वाली चालबाजी ज्यादा थी। वैसे मलेशिया ने रोहिंग्यों के इलाज का सही तरीका ईजाद किया है। म्यांमार के बौद्धों ने यकीनन देशभक्ति का परिचय दिया। ये लोग जहां रहेंगे वहां अपराध और धार्मिक विद्वेष फैलना स्वाभाविक है। ये पहले ही बांग्लादेश के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं जबकि मलेशिया उस पर बाकी रोहिंग्यों को लेने का दबाव बना रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि रोहिंग्या उसके नागरिक नहीं है जो वह उन्हें वापस लेने को मजबूर है। वह किसी भी हाल में रोहिंग्या मुसलमानों को वापस नहीं लेगा। यानी इस कचरे का कोई भी देश ग्राहक नहीं है। वैसे मोदी ने सीए कानून बनाकर पाक बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को ऐसी नौबत से निकाल लिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।